सर्दियों की बारिश बड़ी खतरनाक होती है। क्या हो गया बुआ जी? कुछ नहीं, होने वाली बात थी हो गई। अच्छा तो ये बता कि तूने अमल से अफसोस किया? किस बात का? अरे तू कैसी दोस्त है, उस पर कयामत गुजर गई और तुझे कुछ पता ही नहीं। अमल और हाइम की पतंग उड़ने से पहले ही कट गई। क्या मतलब? मतलब ये कि नईम भाई ने मियाँ जी को साफ जवाब दे दिया है और शादी से माजरत कर ली है। क्या? हाँ भाई, सारा मसला दिल का है, इसकी मानो तो मसला, ना मानो तो मसला। अरे तू कहाँ चली? अमल के पास। अरे अभी मत जा, अभी वो अलमास के पास बैठी है, बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा है। अच्छा सुन, बारिश के साथ मेरी कच्ची सी फोटो तो बना दे। मेरी खाना लगवा दो। सोच रही थी कि मेरा शादी का ड्रेस रेड कलर का है। अच्छा? क्या अच्छा? कभी तो अपना ओपिनियन दे दिया करो। यानी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ। ताकि तुम मुझसे डिसएग्री कर सको। तुमसे ना बात करना ही फजूल है। हाँ तो फिर क्यों बात कर रही हो मुझसे? तेरी मुराद पूरी हो गई तेरी, यही चाहती थी ना तू? अमल ये तू क्या कह रही है? तेरा दुख, मेरा दुख, मेरा दुख सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मेरी दोस्त होते हो, तुझे ये सब हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आती भी कैसे, तुझे क्या पता रिश्ते क्या होते हैं? और वैसे भी तेरी फैमिली में तो काफी आम है ना ये सब कुछ। अमल तू उस वक्त होश में नहीं है। मेरा होश छीन कर खोने का ताना दे रही है अब? ठीक कहती थी मां, इतना समझाने की कोशिश की उन्होंने लेकिन मैं नहीं समझी। पागल हूं ना? मैं नहीं। तूने साबित कर दिया तू किन की बेटी है। अमल घिन आ रही है तेरी शक्ल से मुझे। और हाँ एक बात याद रखना, तूने ख्वाब देखे हैं इन्हें मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, कभी भी।
तुझे क्या पता रिश्ते क्या होते हैं? वैसे भी तेरी फैमिली में तो काफी आम है ना ये सब कुछ। तूने साबित कर दिया तू किन की बेटी है। इसे तूने ख्वाब देखे ना, इन्हें मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, कभी भी। सफीना, कहाँ जा रही हो? अब रुक गई तो बिखर जाऊंगी, जाने दो मुझे। हुआ क्या है? छोड़ दो हाइम। ये शादी नहीं हो रही, ये शादी नहीं हो रही। तुम्हारा इतराज भी खत्म हो चुका है। किसी बात का तो इल्जाम मिल रहा है मुझे। तुम आओ मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो? सबके सामने जाकर अपनी मोहब्बत का ऐलान करूंगा, बताऊंगा कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। क्या चाहते हो तुम? जो बात अमल कर रही है वही बात बाकी सब भी करें? मेरे कैरेक्टर, मेरी फैमिली पर उंगलियां उठने लगे। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? उसकी मुजरिम बन चुकी हूँ, ये इल्जाम सारी जिंदगी नहीं हटेगा। इसलिए भाग रही हो? हाँ। हार मान के? किस्मत की खेल में कोई हार जीत नहीं होती। हमारे दरमियान जो कुछ है वो हमारे दरमियान क्या है? क्या है हमारे दरमियान? टू बी और नॉट टू बी की एक दीवार, ये है, हमेशा रहेगी। यार बेहतर होगा कि तुम अमल के साथ। मैं तुम्हारी किसी नसीहत का पाबंद नहीं हूँ, मैं अपने फैसले में आजाद हूँ और तुम अपने। हाइम, जिद मत करो, मत करो जिद। तुम किस किस को जस्टिफिकेशंस दोगे, किस किस को क्या क्या बताओगे? और अगर सबको बता भी दोगे फिर भी इतने इल्जाम लगेंगे। जैसे हूँ बरसात, पिया बिन जागे जागे सारी रात, पिया बिन आंसू जैसे हूँ बरसात। अपना ख्याल रखी। फिर आएगी क्या? ले, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तूने अमल को बता दिया कि तू जा रही है? जी बता दिया है। अच्छा फिर? अच्छा पुत्र, खुश रहे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तेरा होके अपना अपना रहा ना मैं, जितना जिया हूँ उतना जिया ना मैं। तेरा होके अपना अपना रहा ना मैं, जितना जिया हूँ उतना जिया ना मैं। तोड़ दे रस्मानू दुनिया दी कसमानू, तेरे दित जख्मानू चीन दे जरा। इश्कावे 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 इश्कावे।
सपने दिखा के इतना रुलाया क्यों बात पे गौर किया आपने? या गौर और फिक्र दोनों कर रहा हूँ। मुझे लगता है दिल के मामलात रिश्तों के आड़े आ रहे हैं। बजा फरमाया आपने, कुछ ऐसा ही है। इस चार दीवारी से बाहर जो लोग कहते हैं कहते रहे हमारी बला से, उनकी जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती, मगर इस चार दीवारी के अंदर अपनी साख की बहाली हक है आपका। वो कैसे? खुद को इनके सामने कमजोर मत पड़ने दें, वरना ये सब हावी हो जाएंगे आप पे और नौबत बगावत तक पहुंच जाएगी। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है, सबको लाइन हाजिर कर दें। आज सुना दें अपना हतमी फैसला। क्या सोच रहे हैं मुश्ताक मियां? ये सोचने का नहीं, अमल करने का वक्त है। तुम लोगों की अकड़ तो आसमानों तक पहुंच चुकी है, इसलिए मेरी आवाज तुम तक कहां पहुंचेगी? और अगर पहुंच भी गई तो फिर एक नया सवाल पैदा हो जाएगा। आपस की मोहब्बत तो खत्म हो चुकी है, न वो दीद लिहाज न रवादारी। कितने अरमानों से इस तख्त और ताज की बुनियादें रखी जो अब हिल चुकी। मियाँ जी, ये सब नसीबों की बात है। नसीब? अरे नसीब तो नसीबों वालों के साथ होते हैं, तुम जैसे बेदीद और बदनीयतों के साथ नहीं होते। एक जमाना था जब मियाँ मुश्ताक की फैमिली की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, और आज अखबारात भरे पड़े हैं। मियाँ जी, हमारी जिंदगी का फैसला आपने किया, जहाँ रिश्ता तय करना था कर दिया और हमने कबूल भी किया, लेकिन आज हमारी औलाद। कौन सी औलाद? वो औलाद जिसे तुम लोग नफरतों का सबक दे रहे हो, वो औलाद? अरे उन बिचारों ने क्या बिगाड़ा था? सारी बरादरी के सामने मेरा गिरेबान पकड़ा गया मियाँ जी। चला तू इसका गिरेबान पकड़ ले, तेरे हाथ में देता हूँ मैं, जोर से पकड़। एक लड़का और एक लड़की तेरी, और एक लड़का एक लड़की तेरी। कहना क्या चाहते हैं भैया जी? जो बात भी है ना, खुलकर होनी चाहिए। खुलकर बात सुन ले मेरे, खुलकर बात। मैंने नायल और मीराब के रिश्ते का फैसला कर लिया है। अजीब जिंदगी है यार, रोज एक नया ड्रामा। अजीब मुसीबत है, हम बच्चे नहीं होंगे जैसे बलि के बकरे हो, जब चाह ज़िबा कर दी। हम मियाँ जी तो मुझे वाकई में सेंसेस में नहीं लग रहे हैं। यार अम्मा और भाई के रिश्ते से कोई सबक हासिल करना था, अब एक और नया फसाद। दिल चाहता है कि शिखर छोड़ के भाग जाऊं। हाल में तो घर से भागना ही बेहतर है। भागना? So
सुना तुमने फैसला उनका? नहीं, अब तुम अपनी बकवास बंद रखो। मैं बकवास कर? यार वो होते कौन है हमारी किस्मत का फैसला करने वाले? हमारे सो कॉल्ड पेरेंट्स। माना पेरेंट्स हैं पेरेंट्स, लेकिन फैसला भी तो सुनो, मेरी और तुम्हारी शादी। ओ हेलो, मेरी और तुम्हारी शादी। मतलब मेरी और तुम्हारी शादी? हाँ, हमारी शादी। हमारी शादी? हाइम और अमर का रिश्ता तय नहीं हो सका तो आपने ये फैसला कर लिया? वाह जी वाह मियां जी, जिन्हें आप अपनी लड़की देना तो हीन समझते हैं उनकी लड़की ले लें। और तुम्हें दे कौन रहा है? आपसे ले कौन रहा है? ओ बेगैरतो, ओ बेगैरतो, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बाप जिंदा है। लेकिन मियां जी, हाइम और अमल के निकाह की नाकामी के बाद। कैसी नाकामी? किस बात की नाकामी? इन दोनों का निकाह होगा और आज ही होगा। क्योंकि तुम सब हालत जंग में हो इसलिए मेहमानों वगैरह की खातिर मदारात को कर नहीं सकते। चुनाचे मैंने फैसला किया है कि निकाह निहायत सादगी से होगा और अपनी मस्जिद में होगा। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, जाओ तैयारी करो, जाओ जाओ जाओ। चलो चलो उठो। वाह मिया जी वाह, फैसला तो जबरदस्त है, लेकिन बट्टा सट्टा ही करना था तो इतने ड्रामे की क्या जरूरत थी? तेरा तो मैं मुंह नोच लूंगा। नहीं जा रही हूँ मिया जी। नॉर्मल जिंदगी
जिंदगी चाहिए थी मुझे कि तुम और अमल गुजारने वाले हो। फिर मैं तुम दोनों के बीच में आऊंगी, लोग मेरे बारे में वो ही कहेंगे ना जो आज तक मेरे पेरेंट्स के बारे में कहते रहे। I don't want that. मेरे कोई इमोशंस नहीं है, मुझे खुद फील नहीं होता। जवाब दो, अब खामोश क्यों हो? Why are you quiet? नहीं, तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगे, because तुम्हारे पास बोलने को कुछ है ही नहीं। You have nothing to say to me. What about me, Haim? मेरा क्या? I knew it कि तुम भी चले जाओगे। जब पेरेंट्स ने साथ दे दिया तो तुम क्यों रुकोगे? Just walk away, go, leave. You know what? I don't need you. Just go, now. Please go, leave. मैडम आप गाड़ी में बैठे। आप बैठे गाड़ी में। आप अकेले क्यों चिल्ला रही हैं मैडम? जाड़े से मैच जवानी जाने या जाड़ा, बुढ़ी हड्डियां क्या जाने, और जवानी तो किसी मौसम में भी तन मन धन की बाजी लगा सकती है। कामयाबी मिली? जी अभी नहीं। वो कहाँ रहता है, किससे मिलता है, क्या करता है, ये सब जानना किसका काम है? जी मेरी काम तो मेरा ही है,
और हाइम साहब किसी की सुनते ही नहीं। तू अपनी बात कर, हर इल्जाम मुझ पर और मेरी औलाद पर आ जाता है, क्या यही मेरा नसीब है? पर मियां जी, अगर ये नसीब आपने लिखा है ना, तो जहे नसीब। लफाजी से परहेज करें। इस गुफ्तगू का मकसद जो है ना, तू बताता क्यों नहीं? इनका लड़का और क्या क्या करता है? मैं क्या अर्ज करूं जी, मैं कुछ कहूंगा तो। तू है किस मर्ज की दवा? फोन किया उसे? जी फोन रिसीव नहीं हो रहा मियां जी। रेशमा छोड़ दे, मैं गिर जाऊंगी, क्या कर रही है? तो इतनी खुश क्यों है? वही हुआ ना भाभी, जिसकी खबर मैंने आपको पहले ही दी थी। सत्यानाश हो इस बट्टे सट्टे का। ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि भाभी, ओहो मरन जोगी, तू कहां अंदर चली आ रही है? जी वो आ गए। कौन आ गए हैं? कोई नाम भी तो होगा। आई बाबू जी। इतनी जल्दी? तू जा, हम आ रहे हैं, और उसको रोके रखना जब तक हम वापस ना आ जाए। इनकी खचाई तो होती रहती है, कभी कभी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। चले। मेरे हाइम साहब आ गए हैं। आप कहें तो मैं बुला लाऊं उनको। अब क्या मसला? भाई मसला नहीं है, रस्म है। अभी तक तुम्हारा रस्मों से जी नहीं भरा। अरे हाय, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? चल मेरा पुत्र, ये गिफ्ट शिफ्ट छोड़ और भाई का रास्ता भी छोड़ दे। चल मेरा बच्चा। नहीं, गिफ्ट अच्छा चले, उधार है, बाद में आपको गिफ्ट देना है मुझे। सो गई है, भला ये कोई सोने का वक्त है? बुआ जी थक गई होंगी भाभी। तुम्हें अभी से भाभी की चमची बनने की जरूरत नहीं है। ओह गॉड, मैं भी सुबह से काम कर रही हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं बेड पर जाकर सो जाऊं। देखें भाभी, भला जवान लोगों को किस चीज की थकावट? चल रेशमा, ये सब खुराकों का कसूर है, जो इन्होंने करना होगा ना कर लेंगे, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, तू भी चल। चले आप किधर जा रहे हैं? अब आपकी जन्नत और दोजख दोनों इधर ही हैं। रुके, भाई मैं डुप्लीकेट की ले आऊं? जब ये मामला हल हो जाए तो मुझे बता देना, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या मसला है? क्यों चला रही हो? अमन भाई आ गए हैं। तुम्हें भाभी कहने में मुश्किल होती है? भाई भाई आ गया तो क्या मैं डांस करूं? और तुम याद रखो, अब मैं तुम्हारी भाभी हूं,
ओके भाई, गुड नाइट। हर कुछ होने वाला है लाला, प्लीज अब कुछ ना हो। कहीं भाई और अमल, मैं किसे बताऊं? नाइल, नाइल प्लीज फोन उठाओ। कलीम, हाइम आ गया है, सो जाएं अब। ये बात तो मुझे 6 बार बता चुकी हो। तो फिर अब क्या परेशानी है? मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? जब नींद आएगी तो सो जाऊंगा। बस दुआ करें हमारी बेटी खुश रहे। औलाद की खातिर ही सारे जुल्म बर्दाश्त किए अलमास बेगम। जब तक नाइल और मीराब का मामला सेटल नहीं होता ना, हमें भाई और भाभी के साथ डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उनके नीचे लग के रहूं अब? बेटी का मामला है कलीम, एक दफा गेम अपने हाथ में आ जाने दो, फिर बराबरी पर बात होगी। ऐसी औलाद अगर मेरी होती ना तो लानत है ऐसी जवानी पे, ना रिश्तों का पास ना पड़ों का लिहाज। हाँ हेलो मीराब, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? काश ऐसा होता, तुम कहाँ हो? वही हूँ जिस काम के लिए भेजा गया था मुझे। भाई आ चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हमें कुछ करना होगा नाइल। लेकिन मीराब हम लोग कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तुम हो कहाँ पे? तुम्हारे मन मौजी भाई को ढूंढने निकला हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो। नाइल वो घर आ चुके हैं, तुम वापस आ जाओ। हाँ वापस आऊंगा, मैं और क्या करूंगा। ओके बाय। मेरा गुस्सा मीराब पर क्यों निकाला? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मेरा खामोश रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। मुलाकात हुई, जानना क्या चाहते? वही जिसे बताते हुए तुम्हें शर्म आती है। इस होश में नहीं हूं। हाँ हाँ मैं अपने होश खो बैठी हूं। अमल, चेहरे पर फिक्र, नजरों में उलझन, बिना वजह नहीं है, कुछ तो है।
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अमल तुम इस